हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था और आपके लिए भी ये शॉकिंग रहेगा, क्योंकि एक चीज़ हुई है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो गाइस, इसे देखिए, यह मेरा मेल टर्टल। जैसे कि आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेल टर्टल है मेरा। और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पानी की लेवल भी देखिए। बहुत नीचे है, ये इजीली रिच भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत दूर है। यही सुपरमैन सुबह सुबह मुझे उठाया गया कि मेरा टर्टल गैलरी में है नीचे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी ने उसे देखा तो वो यहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ मिला था। वापस मम्मी ने सीधा किया, वापस आगे जाके वो ट्राई कर रहा होगा, वापस उल्टा पड़ा, खुद से सीधा हुआ। तो मैं आया तो मुझे यहीं पे मिला था, इस लोकेशन पे। और आप डिस्टेंस देख सकते हो, बहुत डिस्टेंस है, बहुत। तो चीज़ हुई ये कि ये आया कहाँ से, यहाँ पे वो आया कैसे, क्योंकि जो टेरेस का दरवाज़ा है वो ऑलमोस्ट हर टाइम बंद ही रहता है, वो खुला नहीं रहता है। और अगर खुला भी रहेगा तो गैलरी का जो डोर है वो बंद रहता है। तो फिर ये आया कैसे, क्या हुआ, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा अजम्पशन है कि या तो ये क्लाइम करके यहाँ से, ये जो प्लांट रखा था ये ड्राई हो गया है, ये वाला ग्रास टाइप है वो रखा था, तो वो थोड़ा नीचे गिर गया था, नीचे मतलब टिल्ट हुआ था। तो मेरा अजम्पशन ये है शायद कि ये यहाँ से क्लाइम करके गया होगा, क्योंकि मैं ये अजम्पशन लगा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ये ग्रास जो है वो अनइवन है, अभी एकदम गिर गया है नीचे। तो शायद वो यहाँ से क्लाइम करके, क्योंकि ये पीछे भी था, मैंने अभी आगे लगा दिया है, तो यहाँ से वो क्लाइम करके इसके ऊपर आके वो ऐसे गया होगा यहाँ से। या तो किसी पंछी ने, ईगल ने या किसी हॉक ने उसे उठा के, या कौवे ने उसे उठा के शायद वॉल पे रखा होगा और वो किसी तरह से छूट के वो नीचे गिर गया होगा। लेकिन मैंने उसका शेल भी देखा, सब प्रॉपर है। आप देख सकते हो कि वो स्विम भी बहुत ही प्रॉपरली कर रहा है। मैंने उसे प्रॉपरली एग्जामिन किया, बहुत ही अच्छे से देखा है, उसके सारे लेग्स देखे हैं, उसका शेल पलटी करके देखा है। वो देखिए, आप देख सकते हो कि कितना हेल्दी है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे गया। ये दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो खुद क्लाइम करके गया होगा, और ये वॉल मोटी है, बहुत मोटी है, देख सकते हो, तो इसके ऊपर क्लाइम करके चल चल के वो खुद से गया होगा। ये भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ से वो इजीली क्लाइम कर सकता है, देखिए वहाँ से। तो एक ये रीज़न हो सकता है, और दूसरा रीज़न मैंने बताया कि बर्ड्स ने। तो अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, मैंने इसके ऊपर जाली मंगवाई थी, वो आएगी। कोइंसिडेंस देखिए, मैंने मंगवाई थी और वो आ भी रही है, तो एक दो दिन में मुझे मिल जाएगी। तो जब भी मिलेगी, इसके ऊपर हम उसे लगा देंगे, क्योंकि पहले मेरे पास एक पड़ी हुई है, तो मैंने मस्कीटो नेट मंगवाई थी, लेकिन अभी ये बहुत बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो अभी वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो ग्रीन कलर की नेट है वो मैं आपको आगे वीडियो में इंस्टॉल करते टाइम दिखाऊंगा ही, तो वो नेट इसके ऊपर लगाएंगे ताकि बर्ड्स इनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और ऐसे प्रोविजन करूँगा, ऐसे फिट करूँगा कि हमारे टर्टल्स भी क्लाइम ना कर पाए। तो यही थी एक आज की अपडेट, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया कि अचानक से मुझे मम्मी ने उठाया, बोली कि तेरा टर्टल गैलरी में है और वो उल्टा पड़ा है। तो मैं डर गया, मुझे लगा क्या हुआ है, कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा तो अच्छा है।
लेकिन जितना भी प्रिकॉशन लिया है उससे मुझे लगता है कि शायद ये बर्ड अटैक होगा, या फिर वो स्पाइडरमैन की तरह उसमें कोई पावर आई होगी और वो वहाँ से वो क्लाइम कर सकता है। वही स्पॉट ऐसा है जहाँ से वो क्लाइम कर सकता है, तो वहाँ से गया होगा, क्योंकि ये जो ग्रास है वो भी नीचे गिरी हुई है, तो हो सकता है। और ये प्लांट मैंने आगे लिया है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे पड़ा था वो प्लांट। ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ था और इतना सारा गैप था उसके बीच में, तो वो इजीली क्लाइम कर पाएगा, उतना तो था। तो फिर अभी देखते हैं, अगर वो यहाँ से एस्केप करता है ये साइड से, तो वो बाहर ही आ जाता, या फिर ये जो प्लांट के लिए बना है इसके अंदर ही रह जाता। अगर वो बाहर भी आ जाता है यहाँ से, प्लांट्स के ऊपर से क्लाइम करके बाहर भी आएगा, तो वो टेरेस पे ही रहेगा, वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। एक तो वहाँ से ऊपर चढ़ा है, या फिर किसी बर्ड ने उसे उठा के लेके गया है, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में ही रहता है, बास्किंग एरिया पे बहुत ही रेयरली आता है, और जब भी मैं आता हूँ वो तुरंत पानी में डुबकी लगा देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि बर्ड ने उठाया होगा, लेकिन कुछ रिस्क नहीं लेनी है। और मैंने ऑलरेडी मंगवाई है, जो मंगवा के रखी थी वो तो वेस्ट जाएगी। अभी जो ग्रीन नेट मैंने मंगवाई है वो इसके ऊपर फिट करेंगे, तब मैं आपको अपडेट दूंगा। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको अपडेट्स दे सकूँ, जो भी होता है वो मैं आपको बता सकूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या हुआ है ये सब मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर हो आप। तो वापस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हेल्दी परफेक्ट। बहुत डर गया था मैं सुन के कि ये गैलरी में नीचे उल्टा पड़ा है और छोटा टर्टल है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी शेल के ऊपर कुछ भी खरोच भी नहीं आई है, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है। और मैं सो रहा था उस टाइम, तो जैसे मुझे बताया गया मैं तुरंत, जैसे कि मैं अलर्ट हूँ ऐसे एकदम से नींद मेरी खुल गई और मैंने उसे देखा, तो ये पूरा ड्राई हुआ था, मतलब ये बहुत टाइम से बाहर है पानी के। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो हेल्दी है, उसके सारे हाथ पैर भी बहुत ही प्रॉपर है, मूवमेंट अच्छी है। देखिए देखिए स्विम भी प्रॉपर कर रहा है। ओह शिट, मेरी उंगली पकड़ ली। देखिए थैंक गॉड हेल्दी है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।